अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खाना बनाना सिखा तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज हम खाना बनाने का कौन सा फ़न कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मूली वाली मिस्सी रोटी। ठीक है, मूली को ऐसे बारीक बारीक कद्दूकश किया। अच्छा, इसका कद्दूकश जो बारीक वाला कद्दूकश होता है उसमें करना है। ये बारीक वाले इसके हेड्स हैं और ये मोटे वाले हैं, तो मोटे वाले में नहीं, बारीक वाले में करेंगे। अच्छे से करके इसका पानी निचोड़ लिया हमने, पानी निकाल दिया। ठीक है। अच्छा जी, ये हैं दो बड़ी मूली थी और एक छोटी, 2½। अच्छा, मैंने लिया 1 कप रेगुलर आटा, आधा कप बेसन, आधा कप मकई का आटा। तीन आटे मिला के इसको हम गूंदेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो मूली वाली रोटी में जो हमारे मसाले जा रहे हैं वो आम मसाले हैं। वैसे ये जो सारे मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ इन सबको भून के मैंने रखा हुआ मिक्स करके। ठीक है, नमक, काली मिर्च, अनारदाना पाउडर, लाल मिर्च, लाल पीसी हुई मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, साबुत सूखा धनिया, थोड़ा सा अजवाइन, एंड देन चम्मच और आधी चम्मच, पूरी चम्मच, ये आप पे टेस्ट पे डिपेंड करता है। जीरे की आधी बड़ी फुल चम्मच, जीरे तो अच्छा लगता है खाने में। ये सूखी मेथी ली मैंने और ये थोड़ी सी 8-10 दाने सौंफ के। ठीक है, ये सब कुछ मिला के मैंने पीस के भी रखा हुआ है, ये पीसा हुआ और बाकी मसाले। मूली में हरा मसाला, ये मेरे पास पालक काटी मैंने, इतनी बारीक बारीक काटने की जरूरत है, इतना हो कि मुंह में तंग ना करे। हरी मिर्च एंड धनिया पुदीना। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। इसको ज़्यादा नरम नहीं करना ना ज़्यादा सख्त करना, बस ऐसा हो, ये ऐसे स्टिकी स्टिकी सा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगाएंगे और मैदे का जो खुश्का है उसके साथ बनाएंगे रोटी इंशाल्लाह। इसको भी ज़रा छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए। के अंदर मैंने खुश्का रखा, अब इसको तवे पे डाल दिया। तवे पे डाल दिया, अब सिखाई आपकी। शेप पे नहीं जाना इसकी, इसकी सिर्फ बेलने पे और उस पे ध्यान देना है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा होता है, क्योंकि इसमें वो होता इस तरह की शेप अच्छी लगती है, मूली मूली होती है, इसके अंदर मोटी मोटी चीजें है ना। डिपेंड करता है फिर हम इसको कैसे बनाएं, बस ठीक है। अगर किसी को बहुत शेप बनानी है तो यहाँ पे रखे, कटर बना ले, बड़ा ले, जरूरत नहीं, बल्कि अच्छी है ये किनारे किनारे, बल्कि पता चल रहा है मिस्सी रोटी है ना। इसको मक्खन घी लगाएंगे, अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। घी अपनी मर्जी का, हमारी मर्जी थोड़ी सी ज्यादा की है। चलो बस इसको मैं कह रही थी भूल लें, फ्राई कर लें। हमारी आज भी एक सहेली मिसिंग है, तो मैं इंशाल्लाह उनको होम डिलीवरी करके आऊंगी। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन करना ना जी। चल ऐसे हो गया माशाल्लाह। पराठों के साथ बनाई हमने चाय। वैसे जो शेप का था ये देखो, रख के तो जब रखते हैं तो सारी गोल ही बनी है, ऐसी बनी गई है सारी, एक जितनी बनी है बिल्कुल, है ना, एक ही साइज है। गोल तो बनी है पर सिकी बहुत अच्छी है, सिकी बहुत है, क्योंकि सेकने वाली अच्छी है ना। और इसकी ये साइड करें, ये ज्यादा, क्योंकि आपको पता है ना वो एक साइड इसकी पराठे की ज्यादा अच्छी लगती है। चलें तो आप देख एंजॉय करें। एक मसला है कि आप चख नहीं सकते, हम चख के बता देंगे। वैसे मैंने खाया है, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो इसको खाए अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आमीन आमीन। और आप अपने घर में बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।